हाय गाइस, आज का वीडियो चेन स्टिच सीरीज में फोर्थ वीडियो है। अब तक हमने चेन स्टिच के 12 टाइप्स कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 5 टाइप्स और कवर करेंगे चेन स्टिच के। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो जो टूल्स यूज किए हैं, मैंने उन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर की है, अभी स्क्रीन पर आपको शो होगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेकर, प्लीज कॉमेंट करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, प्लीज गाइस वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, पहला स्टिच जो हम सीखेंगे वो है हैवी चेन स्टिच। इसे हम ब्रेड स्टिच भी बोलते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने निडल में 6 स्ट्रैंड्स थ्रेड ले लिया है। स्टिच स्टार्ट करने के लिए हम निडल को इस पॉइंट से ऊपर लेकर आएंगे और एक स्ट्रेट स्टिच ले लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा नीचे से निडल ऊपर लाएंगे और इसके बाद हम निडल को इस पहले स्टिच में से राइट टू लेफ्ट स्लाइड करेंगे और वापस उसी पॉइंट में निडल को ले जाएंगे जहां से हम निडल को ऊपर लाए थे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इस पॉइंट से निडल को ऊपर लाएंगे, फिर से हम पहले वाले स्ट्रेट स्टिच के नीचे से निडल को राइट टू लेफ्ट स्लाइड करेंगे और निडल को वापस सेम पॉइंट में नीचे ले जाएंगे जहां से हम निडल ऊपर लाए थे। हम इस पॉइंट से निडल ऊपर लाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो दो स्टिचेस बने हैं, दो चेन स्टिचेस, इसके नीचे से हमें निडल को स्लाइड करना है और वापस उसी पॉइंट में निडल को नीचे ले जाना है। फ्रेंड्स, हम यहां से निडल को ऊपर लेकर आएंगे और इससे पहले जो दो चेन स्टिचेस हैं उसके नीचे से निडल को राइट टू लेफ्ट स्लाइड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हर बार हमें पिछले दो चेन स्टिचेस के नीचे से निडल को स्लाइड करना है और सेम पॉइंट में निडल को ले जाना है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा हैवी चेन स्टिच कंप्लीट हो चुका है। इस स्टिच का यूज हम स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे डबल चेन स्टिच हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डबल चेन स्टिच स्टार्ट करने के लिए मैंने निडल में 6 स्ट्रैंड्स थ्रेड ले लिया है और दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और इस तरह से इक्वल स्पेस पे डॉट्स लगा दिए हैं। स्टिच स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, हमें इस पॉइंट से निडल को ऊपर लेकर आना है, यहां से नीचे लेकर जाना है और इस थर्ड पॉइंट से निडल को वापस ऊपर ले आना है इस लूप के अंदर से। देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हमें सेम पॉइंट पे निडल को वापस लेकर जाना है जहां से हमने स्टिच स्टार्ट किया था और अब इस पॉइंट पे निडल को लेकर आना है बाहर लूप के अंदर से ही, इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हमें इस पॉइंट पे निडल नीचे लेकर जानी है। हम यहां से निडल को बाहर लाएंगे, इसके बाद फ्रेंड्स हम इस पॉइंट में वापस लेकर जाएंगे, यहां से निडल बाहर लाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम लास्ट स्टिच लेंगे तो इसके बाद हम इस लूप पर यहाँ कॉर्नर पर ही एक छोटा सा टाइंग स्टिच लगा देंगे इसे फिनिश करने के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा डबल चेन स्टिच कंप्लीट हो चुका है। इस स्टिच का यूज हम ब्रॉड लाइंस के लिए कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे क्रेस्टेड चेन स्टिच।
इस स्टिच को हम स्पैनिश कोरल स्टिच भी बोलते हैं। स्टिच स्टार्ट करने के लिए हमें दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और मैंने 6 स्ट्रेंथ थ्रेड लिया है। सबसे पहले हम निडल को नीचे वाली लाइन से ऊपर लाएंगे और एक चेन स्टिच लेंगे। इसके बाद ऊपर वाली पैरेलल लाइन पर इस तरह से एक छोटा सा स्टिच लेकर हम इस थ्रेड को निडल के ऊपर से और फिर नीचे इस तरह से रैप करके इस थ्रेड को खींच लेंगे। इसे फ्रेंड्स हमें ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है ताकि ये नॉट अच्छे से लग जाए। इसके बाद हम इसके नीचे से निडल को स्लाइड करके लाएंगे, फिर से चेन स्टिच लेंगे अब ऊपर वाली पैरेलल लाइन पे स्टिच लेंगे, इस थ्रेड को निडल के ऊपर से लेते हुए नीचे की तरफ ऐसे रैप करना है। इसके बाद फिर से हम निडल को स्लाइड करके लाएंगे इस थ्रेड के नीचे से और फिर से हम चेन स्टिच लेंगे। फ्रेंड्स इस स्टिच को फिनिश करने के लिए इस तरह से हम एक लास्ट चेन स्टिच ले लेंगे जैसे मैंने ले लिया है और इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाहर एक छोटा सा टाइंग स्टिच दे देंगे इसे ख़त्म करने के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा क्रेस्टेड चेन स्टिच कंप्लीट हो चुका है। इस स्टिच का यूज़ आप डेकोरेटिव बॉर्डर्स के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे सिंगली चेन स्टिच। इसके लिए फ्रेंड्स हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और 3 स्ट्रेंड्स थ्रेड मैंने निडल में ले लिया है। स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम इस थ्रेड को यहाँ से ऊपर लाएंगे और यहाँ नीचे ले जाएंगे। इसे हमें टाइट रखना है। इसके बाद हम यहाँ से इसे ऊपर लेकर आएंगे। और यहाँ पर नीचे ले जाएंगे। फ्रेंड्स इस थ्रेड को बिल्कुल टाइट करते हुए हम नीचे से नॉट लगा के इस थ्रेड को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हमने एक कंट्रास्ट थ्रेड लिया, ये भी 3 स्ट्रेंड्स है। इसे हम यहां से ऊपर लेकर आएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इन दोनों थ्रेड्स के नीचे से इसे स्लाइड करना है इस तरह से। इसके बाद यहां से हम निडल को नीचे लेकर जाएंगे और यहां से बाहर लाएंगे। इसके बाद अगेन फ्रेंड्स हमें इन दोनों के नीचे से इसे स्लाइड करना है, इस तरफ को लेकर आना है और इस कॉर्नर से निडल को बाहर लाना है। हम दोबारा से इसे स्लाइड करके इस तरफ लेकर जाएंगे। अब हम इसे यहां से नीचे लेकर जाएंगे और यहां से ऊपर लाएंगे। देन हम स्लाइड करेंगे इसे इन दोनों थ्रेड्स के नीचे से, फिर हम इसे यहां से नीचे लेकर जाएंगे, यहां से ऊपर लाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से जब हम एंड तक पहुंच चुके हैं तो अब हम यहां पर 2 टाइंग स्टिचेस लगा देंगे इसे फिनिश करने के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा सिंगली चेन स्टिच कंप्लीट हो चुका है।
इस स्टिच का यूज हम स्ट्रेट या कर्व्ड आउटलाइंस के लिए कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स इसके अलावा इसका यूज हम डेकोरेटिव बॉर्डर्स के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे रोजेट चेन स्टिच, इसे हम बीड एजिंग स्टिच भी बोलते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं एंड 6 स्ट्रैंड्स थ्रेड निडल में ले लिया है। स्टिच स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम निडल को यहाँ से ऊपर लेकर आएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें थ्रेड को इस तरह से लूप करना है जिस तरह से हम ट्विस्टेड चेन स्टिच में करते हैं, पहले निडल के ऊपर से फिर नीचे से। अब फ्रेंड्स हमें स्टिच के राइट हैंड साइड से ये जो छोटा सा लूप है यहां से निडल को स्लाइड करके ऊपर लाना है। अब हम सेकेंड स्टिच लेंगे, यहां हम स्टिचेस के बीच में गैप कम रखेंगे, अगेन लूप करेंगे सेकेंड स्टिच के लिए। देन हम निडल को स्लाइड करेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से लास्ट स्टिच लेने के बाद अगर हमें अब फर्दर स्टिचेस नहीं लेने हैं तो हम यहीं से इस लास्ट स्टिच के जस्ट पास से ही निडल को नीचे ले जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा रोजेट चेन स्टिच भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स इस स्टिच का यूज हम बॉर्डर्स बनाने के लिए कर सकते हैं एंड एजिंग्स बनाने के लिए भी हम इस स्टिच का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।